हे गाइस, वेलकम टू स्मेल फॉर ऑल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक आप लोगों के लिए टूर ऑफ वॉलंटियरशिप प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो कि मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा उन सभी वॉलंटियर्स के लिए जो कि स्मेल फॉर ऑल के साथ में काम करना चाहते हैं और जिनको कई सारे डाउट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कंप्लीट प्रॉब्लम्स है, उनका हम सोल्यूशन है जो कि इस प्लेलिस्ट के अंदर करने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो जो कि मैं प्लेलिस्ट का आपको अवेलेबल करवा रहा हूं। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको अनाउंस किया था आप लोगों के लिए कि ये टूर ऑफ वॉलंटियरशिप प्रोग्राम है जो कि मैं लॉन्च कर रहा हूं। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो बेसिकली, और हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट टू बिकम ए वॉलंटियर इन स्माइल फॉर ऑल। अगर आप स्माइल फॉर ऑल के अंदर एक वॉलंटियर बनते हैं तो क्या बेनिफिट है जो कि आपको मिलेंगे। तो गाइस, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट जो कि स्माइल फॉर ऑल के वॉलंटियर को जो है वो मिलता है अगर कोई स्माइल फॉर ऑल के साथ में एसोसिएट होते हैं तो, और कंप्लीट मैं डिस्कशन करने वाला हूं क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, बहुत सारे बच्चों को टाइमिंग के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स ये सोचते हैं कि यहां पे करियर से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी या फिर उनको हेल्प है जो कि नहीं मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे कंप्लीट मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग यहां पे दोस्तों बेसिकली जो है ऐसी 5 एडवांटेज के बारे में बात करेंगे जो कि स्माइल फॉर ऑल के अंदर वॉलंटियर्स को जो है वो मिलता है। और स्माइल फॉर ऑल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गाइज जहां पे ना सिर्फ हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों की हेल्प करते हैं, हाँ, अपना जो प्राइम मोटिव वो ये भी है कि जितने भी वॉलंटियर्स स्माइल फॉर ऑल के साथ में अक्रॉस इंडिया या अक्रॉस ग्लोब काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं तो उनको भी जो है काफी बेनिफिट है जो कि मिलना चाहिए। पर्सनली जो बेनिफिट होते हैं जैसे कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनको मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैं बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज द एडवांटेज या बेनिफिट जो कि स्माइल फॉर ऑल के वॉलंटियर बनने पे मिलता है, वो है दोस्तों यहां पे स्किल डेवलपमेंट। आज के टाइम पे दोस्तों स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, और स्माइल फॉर के वॉलंटियर बनने के बाद में स्किल डेवलपमेंट कैसे होता है ये आप जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप लोगों के साथ में, अपनी सिटी के लोगों के साथ में काम करते हैं, जब आप स्लम एरिया में जाते हैं तो वहां पे आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि इन बच्चों को जो है आप अपने स्कूल के अंदर भेजिए, तो ये जो आपके कन्विंस करने की जो पावर है, जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी यहाँ पे डेवलप होती है, वो आपको दोस्तों और कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ना सिर्फ आपको पेरेंट्स को या बच्चे को डील करना पड़ता है उसको स्कूल में भेजने के लिए, कन्विंस करने के लिए, आपको प्रिंसिपल से भी जो है वो उसको भी कन्विंस करना पड़ता है ताकि वहां पे जो फी है उसको हम रिड्यूस करके 500 रुपीज पर मंथ के ऊपर है जो कि लेके आ सके। तो इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्कूल के अंदर स्माइल फॉर ऑल के बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं जहां पर फीस 1500-2000 रुपीज थी, लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पर जो अपने वॉलंटियर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा कन्विंस किया प्रिंसिपल को, और उसके बाद में जो है प्रिंसिपल ने अपनी एडमिशन फीस, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर चार्जेस होते हैं, इसके अलावा एक्टिविटीज के, इसके अलावा जो अपनी फी है, ये सब कुछ है जो कि उन्होंने रिड्यूस करी है। तो दिस इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका स्किल डेवलपमेंट है जो कि बहुत जबरदस्त होता है अगर आप स्माइल फॉर ऑल के साथ में काम करते हैं तो, और आपकी जो कन्विंस करने की जो पावर है, जो कैपेबिलिटीज है, वो आप धीरे धीरे जो है वो आप सीखते हो अपने ग्रुप के साथ में काम करते हो, आपको एज ए टीम जो है वो काम करना सिखाता है स्माइल फॉर ऑल, कैसे जो है आप साथ में मिलकर काम कर सकते हो अपने जो लोकल एरियाज के अंदर, आपके जो स्लम एरियाज है कैसे आप उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हो, अपने लोकल सिटी को, अपने एरिया को कैसे जो आप एम्पावर कर सकते हो, वो आपको स्माइल फॉर ऑल के अंदर सीखने को मिलता है। सेकंड बात करें गाइस तो लीडरशिप क्वालिटी, और ये जो है लीडरशिप क्वालिटी है जो कि आपको सीखने को मिलती है। बहुत सारे सिटीज के अंदर आज भी जो है वो लीडर नहीं है स्माइल फॉर ऑल के, तो और हर किसी को आपको मालूम है कि मैं खुद भी चाहता हूं कि हर सिटी के अंदर स्ट्रांग लीडर्स हो और वो भी अपने नीचे जो है वो स्ट्रांग लीडर्स बनाए ताकि हर एक बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से काफ़ी लोगों के जो स्लम एरियाज है वहां पे बोल सके, अच्छे से एक्सप्रेस कर सके अपने व्यूज़ को, स्माइल फॉर ऑल के एजेंडा को बता सके कि हम क्या करना चाहते हैं कंट्री के अंदर, हम लोग जो है हर एक बच्चे को रोड साइड के ऊपर जो बच्चा है उसको एजुकेशन देना चाहते हैं। ये तभी होगा तब आप अपनी कैपेबिलिटीज को, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगी, और ये कब होगी जब आप एक फैमिली को कन्विंस करोगे, उसके बाद में एक स्लम एरिया के बाद में आप दो फैमिली को एक स्लम एरिया में डील करते हो, उसके बाद में 5, तो इवेंचुअली आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव होती है और आप एक नहीं, एक वॉलंटियर कई सारे फैमिलीज को मैनेज करना सीखता है कि कैसे इनको स्कूल में जो है वो एडमिशन करवा के इनको एक बेहतर फ्यूचर है जो कि देना है। और जब आप धीरे धीरे काम करते हो तो आपको बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज है जो कि अपने सिटी को लीड करने के लिए या फिर आने वाले टाइम पे आपको अपने स्टेट को लीड करने के लिए या फिर कंट्री को लीड करने के लिए भी मिलेगी अगर आप एक साल से ज्यादा स्माइल फॉर ऑल के साथ में काम करते हैं तो। तो ये थी दोस्तों सेकंड आपके लिए बेनिफिट जो कि था लीडरशिप का। थर्ड अगर मैं बात करूं गाइस तो आपका जो स्ट्रांग सीवी जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग
स्ट्रांग हो जाता है अगर आप इस्माइल फॉर ऑल के साथ में काम करते हैं। तो अगर आप आने वाले टाइम पे कोई एमबीए करना चाहते हैं किसी भी कंपनी के अंदर अगर अपना रिज्यूमे ऐड ऑन करते हैं तो इस्माइल फॉर ऑल की तरफ से आपको 6 महीने अगर आप एक 6 महीने का और एक 1 ईयर का सर्टिफिकेशन है जो कि आपको मिलता है अगर आप डेडिकेटेडली काम करते हैं तो। ओके, तो अगर आप 1 साल से भी ज्यादा काम कर चुके हैं तो आपको बहुत चीजें हैं जो कि ग्राउंड की रियलिटीज पता होती है। तो हर एक कंपनी के अंदर आज के टाइम पे प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो है ये बहुत स्ट्रांग आपके पोर्टफोलियो आपका सीवी है जो कि बनाता है। अगर आप इसको अपने सीवी के अंदर एड ऑन करते हैं तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज के अंदर काफी बेनिफिट है जो कि आपको मिलेगा। चौथे बेनिफिट की बात करूं गाइस, तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि करियर जो है वो आपको एनजीओज में देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। यूनिसेफ से लेकर दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ इंडिया भी है और भी ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट इस्माइल फॉर ऑल के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो अभी भी काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे जो है एज ए करियर भी जो है वो काम कर सकते हैं। बस एक चीज है जो कि चाहिए, वो है कि आपका मोटिवेशन और एंथुजियाज्म। आप सच में जो है आपको अंदर से फील आना चाहिए कि मुझे सोसाइटी के लिए करना है। अगर ऐसा कोई सोच के सच में अपना करियर अगर एनजीओ में बनाना चाहता है तो स्माइल फॉर ऑल क्या यूनिसेफ या यूनेस्को चाहे दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपके लिए हमेशा जो है वो ओपन है और आपके वहां पे काम करने के लिए स्माइल फॉर ऑल के जो ये प्रोग्राम्स है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा लास्ट में इसको डिस्कस किया, जो कि सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन और एक हैप्पीनेस। अगर आप स्माइल फॉर ऑल के अंदर काम कर रहे हैं या दुनिया में किसी भी एनजीओ में काम कर रहे हैं जो कि जेन्युइनली किसी की मदद कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे फिर वो एनिमल वेलफेयर हो, चाहे फिर वो आपका वुमेन एम्पावरमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर चाइल्ड एजुकेशन हो, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जो है दोस्तों वो आपको मिलती है और इसका जो है वो कोई भी जो है वो अल्टरनेटिव नहीं है। जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई एक बेहतर जीवन है जो कि जी सके, इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस जो है वो जीवन में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये 5 बेनिफिट है जो कि मैंने आपको यहां पे बताए, ये सारे आपको स्माइल फॉर ऑल के अगर एज ए वॉलंटियर के तौर पर अगर आप डेडिकेटेडली काम करते हो तो आपको देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से काम करके अपने एरिया के अंदर जो ये एजुकेशन की प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं सेकंड वीडियो के अंदर। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।